हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 1 सितंबर और आज के दिन हमारे फ्री फायर में बीआर रैंक का सीजन चेंज होने वाला है और लगता है कि अब तक तो सीजन चेंज हो चुका होगा। तो गाइस इसलिए मैं आप सभी के लिए बीआर रैंक के लिए दो बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं जो आप सबको बीआर रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये कॉम्बिनेशन आप सबको हर एक सिचुएशन में हेल्प करने वाले हैं। और गाइस बेसिकली जो मैं आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं उसका यूज गाइस अगर आप लोग सोलो मैच में करते हो तो भाई आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। और अब हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन होने वाला है अगर आप लोग उसका यूज सोलो में करते हो, स्क्वाड में करते हो, डुओ में करते हो, मतलब कोई भी टाइप के मैच में करते हो तो गाइस आपके टीम को ही बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर लास्ट तक आते आते आप लोग का बोया होने वाला है, तो मर्जी आपकी है कि आप लोग कौन सा कॉम्बिनेशन को यूज करते हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका मन कर रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है उस कॉम्बिनेशन में गाइस उसका जो एक्टिव स्किल है वो गाइस आप सबको 4 से 5 सेकंड के लिए टाइम देता है इनेमी को किल करने के लिए। अगर आप लोग उन 4 से 5 सेकंड का यूज सही से कर लेते हो तो गाइस आप लोग इनेमी को किल कर सकते हो, क्योंकि उस 4 से 5 सेकंड के पीरियड में गाइस आप लोग को एक गोल्डन चांस मिलता है। अगर आप लोग उस चांस को मिस कर देते हो तो इसमें गाइस आप लोग की गलती होने वाली है। सो अब जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन का जो एक्टिव स्किल है उससे गाइस मैं आप सभी का परिचय करवा दे रहा हूं और उसका नाम है होमर कैरेक्टर। तो गाइस होमर की तरफ से आप लोग इनेमी को ढूंढ के फ्रीज कर सकते हो या फिर बिना ढूंढे भी फ्रीज कर सकते हो। और अगर आपको जाना है कि इनेमी आपके आसपास है या नहीं तो गाइस आप लोग सिंपली होमर के ड्रोन को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे अगर आपके आसपास कोई इनेमी रहेगा तो गाइस वो ड्रोन इनेमी को ढूंढ के वहीं पे हिट कर देगा। और इसी काम एक बेस्ट टिप मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और मैंने आपको पहले भी कहा अगर आप लोग 1v1 इनेमी के साथ कर रहे हो तो ऐसे में गाइस पहले आपको होमर के ड्रोन को एक्टिव करना है और उसके बाद जब होमर के ड्रोन इनेमी को हिट करेगा उसके बाद भी गाइस आपको अपना काम करना है और बड़े ही आसानी के साथ आपको इनेमी को मार देना है। और अभी रुको, अभी जो इसका 3 पैसिव स्किल बताने वाला हूं वो गाइस आप सब सुनने के बाद गाइस आप लोग चौंक जाओगे। तो इसके गाइस आपको फर्स्ट पैसिव स्किल में मोको की एबिलिटी को ऐड करना है और सेकंड में आपको रखना है काइरोस कैरेक्टर को और थर्ड में गाइस आप सभी को मारो की एबिलिटी को ऐड करना है। और जब आप लोग इन सब कैरेक्टर से परिचय कर लिए तो आप लोग इन सब का काम भी सुन लो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनेमी आपके आसपास ही है तो ऐसे में गाइस आपको होमर के ड्रोन को एक्टिव कर देना है और जब होमर के ड्रोन किसी इनेमी को हिट करेगा तो गाइस उस इनेमी का जो लोकेशन है उसको रिवील कर देगा और उस इनेमी के ऊपर मार्क लग जाएगा और वो इनेमी आपको 4 से 5 सेकंड के लिए वो मार्किंग आपको दिखता ही रहेगा। और साथ ही अगर आप लोग स्क्वाड में खेलते हो तो गाइस इसका जो लोकेशन है वो आपके टीममेट को भी दिखाई देगा। और अब इसके आगे का जो काम है वो गाइस काइरोस कैरेक्टर करने वाला है, क्योंकि होमर का ड्रोन जब इनेमी के ऊपर हिट करेगा तो गाइस इनेमी को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर देगा। और ऐसे में जब आप लोग इनेमी को ऊपर रश करने जाओगे और अगर आपके पास काइरोस कैरेक्टर रहेगा तो गाइस आप लोग इनेमी को बहुत ही इजीली से बहुत ही कम टाइम में मार सकते हो। और अगर बाय चांस उस इनेमी का टीममेट उसके आसपास भी रहेगा तो गाइस आप लोग उस इनेमी को भी मार सकते हो और उसके टीममेट को भी मार सकते हो। और ड्रोन हिट करने के बाद इनेमी का मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर दोनों एक साथ कम हो जाता है, ये तो गाइस आपको पता ही होगा। और अब जो हमारा मारो कैरेक्टर है वो गाइस इनेमी को और भी अच्छे से मार लेता है, तो इनेमी आपसे जितना दूर भागना चाहेगा इनेमी को उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा और यही मारो का काम है। और अगर आप लोग ऐसे इनेमी को मारे जिसके ऊपर मार्किंग लगा हुआ है तो ऐसे में गाइस मारो का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब बात आती है कि इनेमी के ऊपर मार्किंग लगा ही रहेगा, क्योंकि जब आप लोग इनेमी को मारोगे तो गाइस आपके पास मोको भी रहेगा। तो गाइस जैसे में मोको अपना काम करने वाला है, मारो अपना काम करने वाला है और साथ में काइरोस भी अपना काम करने वाला है। और कमाल की बात यह कि ये सारे कैरेक्टर मिलके एक साथ काम करने वाले हैं, तो ऐसे में गाइस आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और अब जो हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके बारे में गाइस मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज गाइस आप लॉन्ग रेंज की फाइट में बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रेंज की फाइट में आप लोग उतना अच्छा से यूज नहीं कर सकते। और इस कॉम्बिनेशन के एक्टिव स्किल से गाइस आप लोग अपने फ्रेंड की भी ले सकते हो। अरे जालिमों में किल की बात करूं, आप लोग अपने फ्रेंड का किल चोरी भी कर सकते हो। तो इसके एक्टिव स्किल में गाइस आप सभी को आयरिस की एबिलिटी को सेट करना है। और अब इसके 3 पैसिव स्किल में देखो तो आपको फर्स्ट पैसिव स्किल में काइरोस या फिर हयातो दोनों में से किसी एक की एबिलिटी को सेट करना है और सेकंड में गाइस आप सभी को लिक्विटा की एबिलिटी को सेट करना है और फिर गाइस आपको थर्ड पैसिव स्किल में मारो की एबिलिटी को सेट करना है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इरिस की तरफ से गाइस आप लोग इनेमी को बहुत ही दूर से यानी कि लॉन्ग रेंज में बहुत ही अच्छे से मार सकते हो, फिर चाहे इनेमी ग्लोबल कितना भी लगा ले आप लोग उस ग्लोबल के आर पार इनेमी को इजिली मार सकते हो। और इरिस ऑन करने के बाद गाइस आपको इनेमी का लोकेशन आपको दिख जाएगा, बस आपको उसके मार्किंग पे फायर करते रहना है। और अब जो हमारा फर्स्ट पैसिव स्किल है काइरोस या फिर हयातो, तो गाइस इन सब की हेल्प से गाइस आप लोग इनेमी के आर्मर को बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर सकते हो। तो जितना जल्दी आप लोग इनेमी के आर्मर को पेनिट्रेट करोगे उतना फास्ट इनेमी को डैमेज पड़ेगा और काइरोस की हेल्प से गाइस आपको एपी भी मिलता ही रहेगा। और अब जो लिक्विटा है उसकी हेल्प से गाइस आप लोग अपने मैक्सिमम एचपी को इंक्रीज कर सकते हो। तो एक किल करने के बाद आपका 25 मैक्सिमम एचपी इंक्रीज होगा और दो किल करने के बाद आपका 50 मैक्सिमम एचपी इंक्रीज होगा। और ऐसे में अगर आप लोग वेस्ट बूस्टर यूज कर लेते हो तो ऐसे में जो आपका एचपी रहेगा वो गाइस 280 के आसपास रहेगा। और इस कंडीशन में गाइस अगर आप लोग इनेमी के साथ फाइट करोगे तो गाइस इनेमी का 200 एचपी रहेगा और आपका जो एचपी रहेगा वो 280 रहेगा। और ऐसे में गाइस मैच विन करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और अब तीसरा पैसिव स्किल है मारो, जो मैंने आप सबको पहले भी बता रखा है। तो गाइस ये हमारा आज का दो कॉम्बिनेशन, अगर आप लोग इन दो कॉम्बिनेशन को अपने बीआर रैंक में यूज करते हो तो गाइस आपको 100%
100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका मन कर रहा होगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, और गाइस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट जरूर कर देना। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।